आप शायद भूल रही हैं सितारा जहां, ना ही अभी हमारी जवानी ढली है और ना ही अभी हमारा हुस्न। मैं साफियार को हर किस भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मोहब्बत पाई जाती है, छीनी नहीं जाती, और मैंने साफियार की मोहब्बत को पा लिया है। तेरे हिस्से की सारी खुशियां उठा के उस नूर की झोली में डाल दी। अभी भी अगर तुम चाहो तो साफियार तुम्हारा हो सकता। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो हमारे पेशे में सबसे बड़ा रिश्ता दौलत का होता है। इन्हें अंदर ले जाके कमरे में बंद कर दो। कहो। अरे नहीं नूर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको पक्का करो, पहले काले से आओ, देखो। हाँ देखा, कहो, कर सकती हो तुम। वाह, मैं नूर जी का कमरा साफ कर रहा था ना जी, और नूर जी का दुपट्टे को तह लगा रहा था। अच्छा चलो ठीक है, कमरा तो वैसे का वैसे पड़ा है, जल्दी काम खत्म करो ना जी। और ये बताओ नूर कहाँ है? वो जी, ये वो जी क्या, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, नूर कहाँ है? वो जी वो छत पर है जी। छत पर? ये छत पर क्या कर रही है वो? ये उसी की आवाज आ रही है ना? नहीं जी। नहीं जी क्या? मुझे पता है, ये जरूर बब्बन मियाँ के पास गाना सीखने के लिए गई होगी। मैंने कितनी बार मना किया इस लड़की को कि मुझे गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर ये समझती नहीं है। आने दो उसे, इसकी तो ऐसी खबर लूंगी कि नानी याद आ जाएगी। सलमा जी, अल्लाह बख्शे, इसमें आपकी अम्मा गुलबहार बेगम का क्या कसूर? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। सलमा जी, नूर जी का तो बहुत दिल चाह रहा था जी। आपको पता है नूची कितना अच्छा गाती है, इसमें हर जी क्या है जी? तुम तो अपना मुंह बंद रखो, तुम ही हर बात में ना उसका साथ देते हो। जाओ जाकर नूर को बुला के लाओ जी। जल्दी आना जी। मैं गया अभी। वली खान, ये औरत इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, ये तवायफ है, और तवायफ हमारे घर में नहीं रह सकती। आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना? निकालो इसे यहाँ से, निकालो। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं टूट जाऊंगी वली खान। वली, क्या हुआ? आप बैठे बैठे सो गए? चलिए छोड़, चाय पिए। बाबा जान कहाँ है? कहाँ होंगे, शिकार पर गए हैं, आने वाले होंगे। उनके साथ ही भी होगा। वली, कभी मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करें। हर वक्त या बाबा जान और ये आपका काम। वक्त तुम्हारे साथ, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने तुम्हारे साथ, ये क्या कम है? तो आपको अफसोस है इस बात का? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने। नूर, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, मुझे ये गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा दिन इस घर में कैद रहती हूँ, दम घुटता है मेरा, मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे,
क्यों ऐसी बातें करके माँ का दम निकालती हो? इधर, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। हाँ, इधर बैठो मेरे पास। बताओ बताओ क्या बात है, मुझसे करो बातें। आप सुनेंगी मेरी बात? हाँ सुनूंगी, बताओ क्या बात है। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दे अम्मी। तुमने सुना मली, आज तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? वो सोचती है कि अगर उसका बाप जिंदा होता तो आज वो उसे आला तालीम दिलवाता, उसके नन्हे नन्हे ख्वाबों को ताबीर देता। लेकिन वो तो ये जानती ही नहीं कि उसका बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है। तुम तो तब हमें छोड़कर चले गए थे जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या कसूर था मेरा या मेरी बच्ची का? सिर्फ ये कि मुझे मेरी मजबूरियों ने इस कोठे पर लाकर बिठा दिया था। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, ना तहजीब है ना बड़ों का अदब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम दादा जी, खुशहाल है सब। अल्लाह, आज बड़ी देर लग गई बाबा जान। यार जी, अगर इस मौसम में इन बेमौसम और बेइल्म शिकारियों को चेक न किया जाए ना, तो ये तो हमारे परिंदों की नस्लें ही खत्म कर दे। वैसे भी हमारे जो दोस्त हजार मील की उड़ान भर के उधर साइबेरिया से हमारे मुल्क में उतरते थे, वो भी हम लोगों से नाराज हो गए। तो आपने खुद को शिकार नहीं किया आज? किया है ना, इन शिकारियों को शिकार किया और उनके शिकार को शिकार किया। इसको पका लेना वो रात में। जी बाबा जान। हाँ जी, रिजल्ट का सुनाओ क्या बाबा जान? इतने कम मार्क्स लिए इसने, मुझे नहीं लगता इसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में होगा। फलीप, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता तो है कि बुशरा बीमार थी। आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें ना, तो जिस कॉलेज में जावियार है उसमें इसका भी एडमिशन करवा दें। हो जाएगा ना जी बेटे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? जिधर हमारी बेटी बोलेगी उधर ही होगा। आई लव यू दादा जान। देखा, दादा जान ही सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, आप सब लोग बहुत बुरे हैं। बाबा जान मैं चलता हूँ, जमीनों के चक्कर भी लगाना। हाँ, वो रात को ले जाने का खेल। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम। भी तुम दोनों माँ बेटियाँ बिना बताए चली गईं, हर तरफ ढूंढ चुकी हूँ। किस खुशी में? अरे आप सब बातें छोड़िए, मिठाई खाइए मिठाई। हाँ मगर खुशखबरी तो बताओ मुझे। मेरा एडमिशन हो गया है खाला, और वो भी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। नूर तुम अंदर जाओ बेटा। सच कह रही है? तुम्हारी खामोशी मुझे इस बात का यकीन दिला रही है कि उसने जो कुछ कहा है वो सच है। तो इसमें हर्च ही क्या है? बस बहुत हो चुका, यानी अब सितारा जहां के कोठे पे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बातें हुआ करेंगी। अरे वाह, तो बस फिर तो हो चुका धंधा। मैंने कभी भी तुम्हारे किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की और ना ही करूंगी। मैं तो बस अपनी बच्ची को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। पैरों पे तो वो तवाइफ बन के भी खड़ी हो सकती है। खबरदार खबरदार, जो मेरी बच्ची के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसकी रगों में शरीफ खानदान का बस है। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। शरीफ खानदान, शरीफ खानदान। ये वही शरीफ खानदान है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि तुम एक तवाइफ थी।
और अब तुम ये सारे तमाशे कर रही हो कि चलो तुम नहीं तो वली खान तुम्हारी बेटी को ही कबूल कर ले। ये तुम्हारी भूल है। नहीं ना, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊं। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाता हूँ। सावल, सावल, सावल तुम ठीक तो हो ना? सावल, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? I'm sorry. कैसे नहीं लगी? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर सड़क पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं ना? आप गलत समझ रही हैं मुझे। I'm sorry. तो सॉरी कह के आपको एहसान नहीं कर रहे मुझ पर? और वैसे भी बड़ी सी गलती करके उसके बाद सॉरी कह देना बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए। देखें, आप गलत समझ रही हैं मुझे। I'm sorry, गलती मेरी है, लेकिन ये भी तो सड़क के दरमियान में खड़े हुए थे तो मुझे पता नहीं चला। जी हाँ बिल्कुल, गलती हमारी ही है। हम सड़क के बीच में बात कर रहे थे ना। हद है वैसे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। नूर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान हो? तो कैसे ठीक हो सावल, तुम्हें लगी है? अगर आप बुरा ना मनाए तो जहाँ जाना चाह रही है मैं आपको छोड़ सकता हूँ। हमें माफी रखिएगा आप, हम खुद चले जाएंगे। सावल चलो घर चलते हैं। जी आप जाइए ना, आपका यूनिवर्सिटी में पहला दिन आज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन जानिए, आप जाइए। तुम ठीक हो ना? खुदा हाफिज। कहाँ हो तुम, चले आओ। ये लीजिए बाबा जान। अरे किसी मुलाजिम को कह दिया तो? बाबा जान, आप तो जानते हैं ना कि आपका काम करके मुझे कितना सुकून मिलता है। जी तरह खुश रहो। अली खान बहुत खुशकिस्मत है, उसको तुम जैसी बीवी मिली। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वली को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। क्या कह रही हो? पता नहीं हर वक्त कहाँ खोए रहते हैं। ना ना ना, तुम गलतफहमी हुई है जी। नहीं बाबा जान, इस गलतफहमी में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बाबा जान, आप तो जानते होंगे ना वली को ऐसा कौन सा दुख है जो मैं नहीं जानती। बेटा जी, मैंने बोला ना गलत सहमी हुई है। वली खान शुरू से ऐसा है, खामोश तबीयत। वैसे भी अब माशाल्लाह तुम्हारा बेटी जवान हो रही है, उसकी फिक्र क्या करो। वली तुम्हारा तुम्हारा रहे, वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, मालिक हो, क्या फिक्र का बात है। ठीक कह रहे हैं बाबा जान। क्या निदा का शक सही है? बोली अभी तक माजी को भूल नहीं पाए। एक्सक्यूज मी, आप अपना ये रजिस्टर क्लास में बोल रहे हैं? आप किसी का इंतजार कर रही हैं? मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं। अच्छा चलो, अब चुप भी कर जाओ। और ये बताओ वो लड़का कौन था
और वही जो तुम्हें यहाँ छोड़ के गया, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? नहीं चंदा पापा, वो मेरा क्लास फेलो है। यूनिवर्सिटी सारी खाली हो गई थी, सावल मुझे लेने नहीं आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, यही बात थी। शब्बो तो बता रही थी कि वो लड़का बहुत खूबसूरत था और बहुत बड़ी गाड़ी में भी आया था। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम उसे यहाँ ले आती। कैसे ले आती मैं, जब मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो वो यहाँ क्यों आएगा? अच्छा बाबा, मान लेते हैं कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब हम चलते हैं, हमें तैयार भी होना। क्या कर रहे हैं आप? इतना खूबसूरत चेहरा क्यों छुपा रही मुझसे? मैंने कहा ना आपको हाथ नहीं लगाए मुझे। अब तो ये वो है या नहीं है, जो भी है ये मेरी है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? आइंदा इसके इर्द गिर्द भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो। हेलो, हाँ पहुंचे नहीं अभी तक? हाँ हाँ भाई, बस स्टॉप है यार, पक्की खबर है मेरे पास, वहीं पे वो उठा के ले आओ उसको। हाँ वो पुरानी फैक्ट्री वाला गोदाम है ना, उधर ले आओ उसको। कमबख्त बस वाला कहाँ रह गया? सावल मेरा ख्याल है तुम रिक्शा ही कर लो, कोई बस नहीं आ रही। क्या क्या कर रहे हो? चलो चलो देखना सलमा जान, तुम्हारे इस सफर का बदला तुम्हारी बेटी को देना पड़ेगा। सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखने को तरस जाओगे। ये वादा है मुराद अली खान का। अब बस भी कर दीजिए ये सोग मनाना, वो चला गया है आपको हमारे रहमो करम पे छोड़ के। ऐसे क्या देख रही है, कुछ गलत तो नहीं कहा हमने? एक तो हमारे ही टुकड़ों पे पल रही है और हमारी ही रोजी पे लात भी मार रही है। बहुत सुन चुकी मैं तुम्हारी बकवास, बस करो अब। क्यों, क्या हुआ, बुरा लगा? अगर इतनी ही खुददार हैं तो चली क्यों नहीं जाती आप यहां से अपनी उस बेटी को लेके? ये कोठा हमारी वजह से चलता है और हम चाहें तो आपको यहां से खड़े खड़े बाहर निकलवा सकते हैं। चंदा ये क्या कह रही हो? क्या गलत कहा हमने? आप समझा लीजिए अपनी बहन को और इनकी उस बेटी को कि हमारे रास्ते में मत आए, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। वो जावियार। जावियार? क्या हुआ जावियार को? जावियार हॉस्पिटल में है चाचू, उसे गोली लगी है। क्या? अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्यों बिला वजह परेशान? तुम इधर ही ठहरो, मैं आ रही हूं। अम्मी? नूर बेटा तुम ठीक तो हो ना? अरे अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर जावियार नहीं होते तो पता नहीं। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम अब ठीक हो ना? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हूँ पहले से। जी दे रहा, चलें बेटा। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज आंटी। मामा। हाँ बेटा। आपने बाबा से बात की मेरे बारे में? किस बारे में? मेरे और जावियार के बारे में। और किस बारे में? तुम्हारे बाबा के पास तो मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। मामा कितनी गलत बात है ना ये, मैं इकलौती बेटी हूँ आप लोगों की और मेरी जिंदगी का फैसला है, आप लोगों के पास ही टाइम नहीं मेरे लिए। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी ताईजान से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान आप बहुत अच्छे वक्त पे आए, बैठिए ना। अच्छा क्या हो? वो बाबा जान मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। बोलो बोलो। बुशरा प्लीज अपने फोन की बेल बंद कर दो, मैं दादा जान से जरूरी बात कर रही हूँ। मामा लेकिन बाबा का फोन आ रहा है। वली का? लाओ दो। हेलो जी, क्या कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आ रहे हैं। क्या हो गया, कौन अस्पताल? वो जावियार को गोली लग गई है। आप वहां खड़ी हो जाएं, सावल और मैं दवाई लेकर आ जाते हैं। अच्छा पर जल्दी आ जाना बेटा, अभी आते हैं। सलमा तुम? रुको, इस तरह नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहां नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने? क्यों क्यों ढूंढा? जब आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे तो फिर क्यों ढूंढा आपने? क्या मैं नहीं अपनाना चाहता था या तुमने? अब इन बातों का कोई फायदा है? क्यों फायदा नहीं है? हमने प्यार किया, बीवी हो तुम मेरी। बीवी? कैसी बीवी? इस रिश्ते को तो अपना बनाकर भी अपनी जिंदगी में जगह ना दी आपने। बीवी? बीवी? जी बाबा जान। इधर ही खड़े हो, अंदर सो आए क्या? बाबा जान मैं जाने वाला था। हाँ तो फिर इधर क्या कर रहे हो भाई? चलो जी आप चले, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलो जल्दी। जी जी जल्दी मैं आ रहा हूँ। आइए आइए मुराद साहब, हमने तो सोचा था कि आप सब तमाशे के बाद यहाँ का रुख नहीं करेंगे, मगर आप तो एक दिन भी नहीं रुक पाए। ये लो। क्या कीमत लेनी है इस लड़की की, बोलो। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? अच्छी तरह जानती हूँ मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। देखिए मुराद साहब, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ना कि सलमा जहाँ ये काम छोड़ चुकी है, वो कभी भी नहीं मानेगी कि वो अपनी बेटी को आपके हवाले करे किसी भी कीमत पर। इसका एक ही हल है। सुबह हो गई, अब तो आज तो मुराद ने बहुत देर कर दी।
मुराद आप फिर हट मनोज औरत पीछे हो जा क्यों मुराद मैंने ऐसा क्या किया है मैं आपकी बीवी हूं आपकी बेटी की माँ हूं मैं क्या सर पे बिठाओ तेरे शक्ल देखी अपनी उसे बेटी दे दी है बेटी अल्लाह की रहमत होती है मुराद अल्लाह करम करेगा तो बेटा भी हो जाएगा और नहीं चाहिए तो छह लाख मुझे तू फिर बेटी दे देगी मनोज सौरा नहीं चाहिए तेरी औलाद हट आगे से नहीं जाऊंगी मैं जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि कहां थे आप सारे रात सवाल कर रही मुझसे सवाल कर रही मुझसे हाँ करूंगी मैं सवाल आप सारी सारी रात घर नहीं आते और मुझे आपके खानदान वालों के सामने पर्दे डालने पड़ते हैं झूठ बोल रही तू क्या पर्दे डालती है क्या पर्दे डालती है ना जान पड़ते चल निकल चल चल तो बोलने को नूरजी नूरजी क्या हुआ आपका फोन किसका है पता नहीं कोई अननोन नंबर था मैंने उठाया नहीं अच्छा तुम यहाँ क्यों खड़े हो अच्छा ठीक है आप आराम से सुनिए मैं जाता हूँ हेलो हेलो मैं बात कर रहा हूँ जी कौन बोल रहे हैं मैं जावेद बात कर रहा हूँ अरे आप क्या हाल है आपकी तबीयत कैसी है आपकी कैसा हो सकता हूँ आपने तो एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा मैंने सोचा खुद ही अपना हाल बता दूं आपको हाँ तो बताइए ना क्या अपना हाल आपको क्या फिक्र है आप तो एक बार भी मुझे देखने नहीं आए लेकिन मुझे तो पता चला था कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है हाँ तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का यह मतलब तो हरगिज नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया और कोई पूछने वाला ही नहीं था क्यों आपके घर में कोई नहीं है क्या घर में तो सब मौजूद है मेरे लेकिन वो नहीं जिसकी जरूरत है मुझे और आपको किसकी जरूरत है आप वो हाँ वो अम्मी बुला रही है मैं बाद में कॉल करूंगी नूर आप मिलने आएंगी ना मुझसे मैं मिलने मैं इंतजार करूंगा आपका मेरी नजर में एक लड़का है बहुत ऊंचे घराने का हमारी नूर राज करेगी राज सच सच कह रही हो कौन है वो मुराद अली खान ये क्या कह रही हो अरे तुम तो यूं परेशान हो रही हो जैसे किसी बिच्छू ने डंग मार लिया बहुत अमीर है घर बार है पैसा है और क्या चाहिए हमारी नूर को इज्जत और मोहब्बत जो इस रिश्ते की बुनियाद है जाकर उस मुराद से कह दो मेरे जेते जी वो ऐसा नहीं कर सकता अगर उसने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अच्छा भाई हम तो तुम्हारा भला ही चाहते नहीं चाहिए मुझे ऐसा भला सावल तुम बस अम्मी का ख्याल रखना उन्हें पता नहीं चलना चाहिए मैं खुद ही घर आ जाऊंगी खुदा हाफिज़ भाभी मेरे जहन में एक
ख्याल आ रहा है। वो क्या? आप जल्दी से जावियार की शादी कर दें ताकि आने वाली खुद साहबजादे के नखरे उठाए। मैं आपको एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जो आपकी बहू बनने के लायक है। देखो भाई साहब, ये कितना छुपा रुस्तम निकला। नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? अमीम, ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। नूरजहान नाम है इनका। कैसी हैं नूरा? अब आप कैसे हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ। अभी तो बहुत दर्द हो रहा था। कहाँ रह गई है? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। अल्लाह खैर करे। किसका इंतजार कर रही हो सलमा जहां? किसी का भी नहीं। नूर अभी लौट कर नहीं आई उस लड़के के घर से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी के लिए? वो ऐसी नहीं है। तो बुलाओ सावल को, उससे पूछो जो खुद उसे उस लड़के के घर छोड़ कर आया है। अंकल, बस आपका बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी थोड़ी। नहीं बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, बस पास में ही घर है, आपने ऑलरेडी बहुत जहमत की है मेरे लिए। अच्छा ठीक, खुदा हाफिज़। अच्छा सुनो बेटा, एक सवाल मेरे जहन में है। जी पूछिए। ये जावियार से तुम्हारी दोस्ती कब से है? हम दोस्त नहीं हैं अंकल। तो तुम तो उसका हाल पूछने उसके घर पहुंच गई थी। वो जावियार को मेरी वजह से गोली लग गई थी। क्या मतलब, तुम्हारी वजह से? मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। आ गई? किससे पूछ कर गई थी तुम? अम्मी, वो मैंने ही सुजागर पूछा मेरे तुमसे। तुम बता क्यों गई थी? जावियार से मिलने। सलमा का नूर से क्या रिश्ता है? क्या वो उसकी बेटी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने तो मेरा बच्चा जाया करवा दिया था, फिर इस राज से पर्दा उठाना होगा। मुझे सलमा से किसी भी हाल में मिलना होगा, लेकिन अब मैं किस तरह उसके सामने जाऊंगा? मैंने तो उसे अपनाने से भी इनकार कर दिया था, क्या वो मुझे माफ करेगी? मैंने उनको भेजा था कि शगुफ्ता भाभी से जावियार और बुशरा के रिश्ते की बात करें। ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात। पापा जान, खुशी की बात तो तब होती ना जब वो बात करते। शगुफ्ता भाभी का अभी फोन आया था और वो बता रही थी कि वली ने उनसे कोई बात ही नहीं की। परेशान ना हो, बुशरा सिर्फ तुम्हारा बेटी नहीं है जी, बुशरा हमारा ही बेटी है, तुमको पता है हमको कितना अजीज है। बाकी जावियार का बात तो फिक्र नहीं करो,
बाकी जावियार के साथ उस रिश्ते का बात है, शादी के बात है, तो उनका शादी उधर ही होगा बस। हेलो। हेलो नूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने इस वक्त फोन किया? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा फोन करना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं इस वक्त दरअसल अपने कमरे से बाहर खड़ा चांद को देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि शायद इस वक्त आप भी चांद को देख रही होंगी। उसकी ठंडी ठंडी और खूबसूरत रोशनी आपके चेहरे को छूकर मुझ तक आ रही है। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, वो सूरज के सिवा क्या है। सलमा, आप यहां क्या लेने आए? चले जाइए यहां से। क्यों आए आप यहां पर? मैं जानता हूं सलमा, जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, मगर उसमें तुम्हारा भी कसूर था। हाँ वली सुल्तान खान, कसूर तो मेरा था और कसूर मेरा है, क्योंकि औरत जो हूं मैं। और आप तो मर्द हो ना, आपका कसूर कैसे हो सकता है? क्योंकि मर्द तो अपनी अना की खातिर रिश्ते भी कुर्बान कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुर्बान नहीं किया, तुमने किया। मैंने कुर्बान किया? आपको क्या पता कि एक रिश्ता निभाने की खातिर कैसी कैसी कुर्बानी दी है मैंने। सलमा, मेरी बात सुन लो पहले, इस तरह नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नूर? आप यहाँ खैरियत से? जावियार ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। नूर वली को कैसे जानती है? सावियार का वली के साथ क्या रिश्ता है? सावियार, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, बहुत बेहतर। नाराज हो ना मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? मैं इतनी बुरी जो हूँ, तुमसे मिलने भी नहीं आई। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं और तुम जिस रिश्ते में बनने जा रहे हैं, उसके बाद तो हमें एक दूसरे की हर बात से फर्क पड़ना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? सच कह रही हूं मैं, हम दोनों सिर्फ कजन्स हैं, और इसके अलावा हम दोनों के दरमियान कोई और ताल्लुक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे बड़ों का फैसला है। नूर, आपको देखकर बहुत खुश हुई है,
ये नूर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बेटी है वो मेरी। बेटी? कैसे मुमकिन है? मैंने तो तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी ना, यही कहना चाह रही। हमने सलमा जहां नूर को इतने सालों इसलिए पाला कि एक दिन वली खान आए उन दोनों को यहां से ले जाए। हमने उन दोनों पे जो खर्चा किया है हम उसे सूद समेत वसूल करेंगे। लेकिन वो नूर आपके काम की नहीं है। तुम क्या जानो नूर कितने काम की है। खैर वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। एक आपका नाम ही तो है जो आज तक मेरे साथ है। तो फिर ये नूर, आपकी बेटी है, आपका खून, मेरा खून। लेकिन तुमने तो मेरी औलाद को पैदा होते ही, इसीलिए तो मैंने तुमको, इसीलिए आपने मुझे छोड़ दिया और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। क्या अपनी मोहब्बत पर इतना भी एतबार नहीं था आपको? चाय लगा दी है मैंने, आप लोग आ जाइए। अंकल, अमित अंकल चाय पी करने गए, चले गए ऐसे? पता नहीं बेटा। क्या हुआ, वली खान चला ही गया ना? आपकी बात हुई सलमा जहां से, क्या बताया? क्या क्या बातें हुई इन दोनों के दरमियान? क्या वो इन दोनों को लेने आएगा? सलमा बड़ी घुन्नी है, इतनी आसानी से कहां वो कुछ बताती है। तो आप पूछे ना सलमा जहां से, क्या पता वली खान इन दोनों को फिर लेने आए। हमें उसके यहां आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमें तो ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं वो सलमा और नूर को यहां से ले ना जाए। जब वो पहले इन्हें नहीं लेके गया तो अब क्यों लेके जाएगा? क्या अब उसका बाप मान जाएगा? पहले की बात और थी, पहले वो ये नहीं जानता था कि सलमा के पास उसकी औलाद है, उसकी बेटी नूर। दुनिया के काम भुलाकर यहां चुप साध के बैठे हैं। वली, वली क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि इतनी रात गया पाए हैं? मैं हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जी मुझे तो कुछ भी बताना जरूरी नहीं, मुझे तो ये भी बताना जरूरी नहीं है कि कल आप शगुफ्ता भाभी के घर गए थे और वहां एक दफा भी आपने जावियार और बुशरा के रिश्ते की बात नहीं की। जबरदस्ती से बांधे गए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जावियार बुशरा से शादी नहीं करना चाहता। बताएं अम्मी, क्या ये सच है? हाँ। हाँ ये सच है। इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? मेरे वालिद जिंदा हैं, इसी शहर में मौजूद हैं, और आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे, क्यों किया आपने ऐसा? नहीं, मैंने, बेटा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं मजबूर थी बेटा, कुछ ना कह सकी, मैं बताना चाहती थी लेकिन मजबूरी थी मेरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी अम्मी? मेरे अब्बू जिंदा है और आपने मुझे यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया?
और वो उनको एक दिन भी मेरी याद नहीं आई कि उनकी औलाद हूं मैं, या फिर उन्होंने मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया, या फिर मैं उनकी नाजायज औलाद हूं। बस इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोल, तुम नाजायज नहीं हो, इज्जत उनकी, उनका खून हो। मेरी बरसों की रियाजत को इस तरह से मिट्टी में तो मत मिलाओ तुम। क्यों नहीं मिलाओ अम्मी, इज्जत नफ्स मिट्टी में मिल गया, क्यों किया आपने ऐसा? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन बस बता नहीं सकी। नहीं बेटा, हाथ मत लगाए मुझे, मैं बताना चाहती थी, मजबूर होगी ना, अब क्या कर सकती थी मैं उसे। वो अपने मुझसे मेरी शनाख्त, मेरी पहचान सब छीन लिया, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नूर, नूर मेरी बात सुनो बेटा, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नूर, हाँ सितारा जहाँ, कैसी हो? हम तो ठीक हैं, लेकिन चांद बेगम बहुत उदास हैं। आपके लिए आपने चक्कर ही नहीं लगाया? हाँ लगाऊंगा, चक्कर लगाऊंगा आज ही, मगर एक शर्त है मेरी। शर्त? कैसी शर्त? मैंने जो काम कहा था मैं वो कराओ, तुमने जितना पैसा मांगा था मैं लेकर आ रहा हूँ। तो फिर ठीक है, आ जाइए। आप तो जानते हैं सितारा जहां अपने वादे से मुकरा नहीं करती। ठीक है, आ रहा हूं। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? हम दोनों जा रहे हैं, बस जल्दी करो जी। हम दोनों? लेकिन कहाँ और क्यों? बाद में बताऊंगी बेटा, अभी टाइम नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? नूर अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके ना तो फिर कभी नहीं जा सकेंगे, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, चलो चलो। जब तक मुराद अली नहीं आता ये कमरे में बंद रहेंगे। नहीं सितारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो सितारा, जाओ दरवाजा, खोल दो सितारा, जाओ तुम्हें अल्लाह का वास्ता, सितारा जाओ खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। और सुनो, ये दरवाजा बंद रहना चाहिए जब तक कि मुराद अली नहीं पहुंच जाता, समझे? बहुत एहतियात से, गलती की गुंजाइश नहीं है, समझे? मामा, जावियार क्या बात करने आया था बाबा से? मुझे क्या पता? आपने पता क्यों नहीं कराया? तुम्हारे बाबा ने मुझे चाय बनाने भिजवा दिया था। मुझे तो लगता है कोई बहुत बहुत सीरियस बात है। मैं भी पता चला कर ही रहूंगी कि खिचड़ी क्या पक रही है। और सुनो ये, मैं कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ, तब तक इन पर नजर रखो और कोई गलती ना हो। क्या है इतनी देर से तुम यहाँ बैठे हो, ना कुछ खाया है ना पिया है, तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें मेरे इतने ख्याल क्यों आ रहा है? लो भाई,
भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे साथ ही जरा दूर चले गए, आते आते आएंगे। सोचा तुम्हारे लिए जूस ही ले आऊं, तुम्हें पूछ ही लूं कुछ। अच्छा ये बता, जूस कौन सा है? अनार का जूस है, स्पेशल तुम्हारे लिए। लो पियो। ये मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? वैसी तुम्हारी तबीयत खराब होगी। सावन, जल्दी करें जल्दी, बड़ी मुश्किल से बेहोशी की दवाई देकर आया हूँ, कमबख्त कहीं जाग ही ना जाए। हाँ चले अम्मी, क्या कर रही हैं? सावन, अगर मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते तो मेरी बच्ची को इस पते पर पहुंचा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा, तुम चली जाओ। अम्मी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चले जाओ बस, वो तुम्हारे पीछे है। जल्दी करें, आना चाहे जाऊंगी, एक मिनट। पर अम्मी आप भी तो साथ चले ना। बस सावन इसे ले जाओ, तुम्हें मेरी कसम, और कुछ नहीं बोलोगी तुम। मेरी बच्ची, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, करना करो बस, तुम चले जाओ। लेकिन अम्मी। चले जाओ बच्ची, जा जा मेरी बच्ची, जा जा सामान ले जा, जल्दी कर। जी आपको किससे मिलना है? ये वली खान का घर है जी। ये खत उन्हें दे दें जाकर। जी आप अंदर आ जाएं, मैं मिलकर आऊं। क्या बात है, पूरी देर कैसे आ गए? जी जनाब, बाहर लड़की आई है। की? वली साहब का पूछ रही थी और वली साहब से मिलना चाहती है। मुझसे? नाम बताया उसने? लाओ दो। वली खान, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास भेज रही हूँ। नूर तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा उसके सर पर हाथ रख देना, अगर तुम ऐसा ना कर सको तो बेशक उसे जहर देकर वहीं मार देना, क्योंकि अब मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, फैसला तुम्हारे हाथ में। आओ बेटा आओ आओ, तुम ठीक तो हो ना? जी। किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूँ। आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ। वली खान, वली खान, बच्ची कौन है? बाबा मेरे दोस्त की बेटी है। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने इतनी रात गए अपनी बेटी को अकेले भेज दिया? बाबा वो मेरे दोस्त का कार एक्सीडेंट में वो इंतकाल हो गया, तो अब इस बेचारी के पास कोई जगह नहीं है रहने की, तो मेरे पास चली आई। तो उसकी माँ क्या रही? वो तो इसके पैदा होते ही फौत हो गई थी। अब इस बिचारी का मेरे अलावा कोई है नहीं। आपके अलावा? बोली आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसको मैं ना जानती हूँ? ये लड़की अचानक यहाँ, ये इसका कोई और रिश्तेदार नहीं है क्या?
अब नहीं है तो यहाँ आई है ना बाबा जान, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, अब इसको व्यास्ता तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, इधर रख। ठीक है बच्चे, इधर आओ, विवेक करो, जो तुम्हारा घर है इधर आओ बेटा, आओ। अच्छा लड़की चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। आप फिक्र क्यों करते हैं, हम ढूंढ लेंगे ना नूर को, ये सितारा जहां का आपसे वादा है। अरे कहां चल दिए मुराद जी, जान बेगम कब से आपकी राह में उल्टी बिछाए बैठी है। मूड खराब हो गया मेरा, किसी से नहीं मिलना। रुकी तो सर, मिल लेते तो दिल बहल जाता आपका। यकीन कीजिए लड़की, बात सुनो। जी क्या नाम है तुम्हारा? नूर। तुम्हारी माँ का? मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है? क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं, बस इसे बातचीत कर रहे थे। बहुत चुप चुप रहती है ना, तो मैंने सोचा कल को ये ना कहे कि भी इस घर में मेरा दिल ही नहीं लगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसका दिल बहलाने की। नूरजान बेटा आओ मेरे साथ, एक जरूरी बात करनी है। कोठा है चांद बेगम और तुम तवाइफ, तुमसे पहले भी कोई थी और तुम्हारे बाद भी कोई होगी, मत भूला करो। मैंने पूछा कैसे निकलती है एक पल में चांद, उसने चलते चलते मेरा हाथ छोड़ दिया। नहीं छोड़ता तेरा हाथ, तेरे बगैर भी तो गुजारा नहीं है ना मेरा, बस वो जिद है और तू आदत। तो बस फिर इस आदत को कभी मत भूलिएगा। मैं जानता हूं तुम उससे नाराज हो, नाराज। मेरा आपसे ऐसा कौन सा रिश्ता है कि मैं आपसे नाराज हूं? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जानता हूं हमारे दरमियान फासले रहे हैं, मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी तुम। और फासले कभी भी रिश्ते अलग नहीं कर सकते और नजदीकियां कभी रिश्ते बना नहीं सकती। आपने कभी नहीं सोचा कि हमने इतने साल कैसे गुजारे आपके बगैर? मजबूर था मैं, मजबूर। कैसी मजबूरी थी आपकी? तक तुम यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी, कोई काम कर लोगी तो एहसान तो नहीं होगा ना? अब चाहो कोई और भी तो काम करना है। ये देखो बाहर दरवाजे पे कौन है? गई हो
बताओ ना, तुम तो जानते हो कि आजकल हालात कितने खराब हैं, और किसी जवान लड़की को इस सब की जिम्मेदारी लेना भाई बहुत मुश्किल है। पर क्या करूं, मजबूर हूं। क्या मुझे चाची को भी बताना चाहिए कि मैं नूर को जानता हूँ? नहीं, अभी नहीं, कहीं वो नूर के लिए कोई और मुश्किल खड़ी ना कर दे। लेकिन वली चाचा नूर को कैसे जानते हैं? उनके दोस्त की बेटी। साफ यार, नूर तुम यहां पर कैसे हो? चची ने आपको बता तो दिया है। देखो, मेरी तुम्हारी वालदा से मुलाकात हुई थी ना, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने कैसे दिया? और ये सब क्या है? तुम चचान से बात करो। मैं मजबूर हूँ, और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। नूर, ऐसी कौन सी मजबूरी, मुझे बताओ, मैं चचान से बात करूँ? खुदा के लिए उनसे कुछ मत कहिएगा। अगर तुम चचान के दोस्त की बेटी हो तो फिर मेहमान हो तुम यहाँ पर। ये सब मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। जावियार, तुम अभी तक यहाँ हो और मुझे पता नहीं? हाँ, वो मैं बस दादाजान से मिलके जाने ही वाला था। और तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? वो अम्मी ढूंढ रही है तुम्हें, अंदर जाओ, हाजिरी दो उन्हें। तुम कहाँ जा रहे हो? देर हो रही है मुझे, कुछ देर तो मेरे साथ भी गुजार लो। मुराद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक दोस्त ले आया था वली चाचा, मैं तो आता नहीं इसी जगह पे, पहली दफा आया हूँ। तो दोस्त मेहमान आया था, जिद करके ले आया, जबरदस्ती आना पड़ा मुझे। आप इधर कैसे चाचा? वो तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने बाहर, तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मेरा ख्याल है मुझे निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि सितारा जहाँ वली चाचा के सामने मेरा पोल खोल दे। अच्छा, मैं चलता हूँ, काम है। अरे वली खान, आज आपकी नजरे करम हमारे कोठे पर कैसे कैसे रास्ता भूल गए आज आप? वो मैं सलमा से मिलने आया था। मुराद अली खान को कैसे जानते हैं? मुझे सितारा को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, ये कहीं मुराद को मेरे और सलमा के बारे में कुछ ना बता दे। कहाँ खो गए आप? कौन मुराद? मैं किसी मुराद को नहीं जानता। वली, आप यहाँ कब आए? ये सलमा जहां, क्या हुआ? तुम तो यूं घबरा रही हो जैसे जैसे तुम्हारे शौहर नामदार किसी गैर के साथ खड़े। आइए। सलमा, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं, तुमने हमारी बेटी को बहुत अच्छी तरबियत दी, इस माहौल में उसे पाला पोसा, तालीम दी, मगर इस बदनामी से उसे बचाए रखा। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो बस मेरी बच्ची को वो जिंदगी दे दे के लिए उसकी मां सारी जिंदगी तरसती रही। मेहनत का फल बख्श दे बस मुझे,
वादा करता हूं तुमसे, नूर को हर वो खुशी दूंगा जिसकी हकदार वली खान की बेटी है। मैं तो इस कदर खुश हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भाभी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। बुशरा बेटी आओ ना इधर मेरे पास बैठो। हाँ आओ बुशरा बैठो ना, अभी तुम्हारी ताईजा नहीं है, तुम्हारी होने वाली अम्मी है। थैंक यू। अरे तुम यहाँ बेटा? ये भाभी आप इसको जानती हैं? हाँ हाँ ये जावेयर के यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जी भाभी ये मेरे दोस्त की बेटी है, कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम बहू, कैसी हो? करिए बैठो ना, बैठो बैठो। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बैठो बाबा जान, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आपने इस तरह से अचानक बुला लिया? अरे मेरा तो ख्याल था कि अब तक आप लोग सब समझ गए होंगे कि इस तरह जमा करने का मकसद क्या है। जी बाबा जान आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ भाई मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मैंने फैसला किया है कि रावियार और बुशरा के रिश्ते को बाकायदा शक्ल दे दी जाए। जी तो बेटा बाबा जान ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि बुशरा मेरी बेटी बनकर मेरे घर आ जाए। बस अब आपको मुंह मिठा करवाती हूँ। रिक्वेस्ट के लिए बेटा। वो मुझे याद आया मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन करना था। ऐसी क्या जरूरी कॉल है बेटा, बाद में कर लेना। थोड़ी देर में। जी भाभी पता करें मिठाई क्यों नहीं आई अभी तक? अभी आ जाती है, आप भी मेरी तरह बेचैन। नूर क्या हुआ तुम रो क्यों रही? नहीं तो मुझे भला क्या जरूरत है रोने की? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। इधर देखो क्या हुआ? सावियार किसी ने देख लिया तो आप प्लीज अंदर जाएं, सब लोग आपकी राह तक रहे, आज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी तो यहाँ। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, आपके घर वालों ने आपका रिश्ता बुशरा से तय कर दिया है। अच्छा तो इस वजह से तुम इतनी दुखी हो? मैं भला क्यों दुखी होंगी? तो फिर ये आंसू किस खुशी में बहाए जा रहे? मैं हंसू या रो किसी को क्या फर्क पड़ता? पड़ता है नूर, फर्क मुझे पड़ता है। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। आपका मुझसे नाता ही क्या है? तुम नहीं जानते दिल का नाता है नूर, मेरा और तुम्हारा। सावियार अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम यहां बैठे हो। मेरा फोन आ गया था तो मैं अटेंड करते करते बाहर आ गया।
तुम्हें कोई काम नहीं आज घर में? बुशरा, ये नौकर नहीं है इस घर की, बाकी मुलाजिम कहाँ मर गए हैं? वाह भाई, तुम्हें बड़ी हमदर्दी जाग रही है इसके लिए। अंदर आ जाओ, तुम्हें सब बुला रहे हैं। प्लीज, हम मजीद तमाशा नहीं बनना चाहते। अरे मुराद जी, इस सब में इस बेचारे कांच का क्या कसूर? मुराद अली खान इतनी बड़ी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की निकल गई मेरे हाथ से, जमीन निकल गई है, आसमान खा गया, समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ मुराद जी? तुम तो बात ही मत करो मुझसे, छोटा सा काम नहीं कर सकी। आप तो नाराजी हो गए हमसे। नाराज नहीं हो तो क्या करूं, हा? लड़की नहीं संभाली गई तुमसे। मुराद जी, आप हमारे कोठे पे आ गए, किसी और का जिक्र हमारे सामने बार बार करें ये हमें बर्दाश्त नहीं। ये चांद बेगम की तौहीन, अगर हम आपसे मोहब्बत ना करते तो क्या करती? हाँ, निकाल देते इस कोठे से। हाँ, अरे नहीं मुराद जी, आप तो बुरा ही मना गए। चांद बेगम के कहने का ये मतलब? जो भी मतलब था इसके कहने का, एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे वो लड़की चाहिए हर कीमत पर। वो यहाँ से जा चुकी है मुराद साहब, और जो चले जाते हैं वो कभी लौटा नहीं करते। तो ठीक है, मैं भी जा रहा हूं इस कोठे से। तब तक नहीं आऊंगा जब तक वो लड़की नहीं आएगी, समझे? मामा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देती यहाँ से? आपको पता है ये आज भी जाबियार के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। देखो, मैंने शगुफ्ता से पूछा था, वो बता रही थी कि ये उसके साथ यूनिवर्सिटी में थी। क्या, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने शगुफ्ता भाभी से पूछा कि इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है, तो उसने बताया कि चंद दिन से वाकफियत है, तो मैं मुतमईन हो गई। तो अब मैं समझी कि ये और जावियार हर वक्त खड़े होकर बातें क्या कर रहे होते हैं। हमने बुलाया मीजा? हाँ मुराद, आओ बैठो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं। बात ही इतनी खुशी की है, तुम्हारे दादा जान ने जावियार का और बुशरा का रिश्ता तय कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है जावियार? यही कहीं होगा। लो, वो भी आ गया। मुबारक हो भाई। किस बात की? कहता किस बात की? अरे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ बुशरा से। मुझे रिश्ता तो भूल नहीं। ये क्या कह रहे हो जावियार? ठीक कह रहा हूँ, मुझे कबूल नहीं है ये रिश्ता। मैं बुशरा से शादी नहीं कर सकता, आप दादा जान को बता दें। क्यों नहीं कर सकते भाई? कजन है हमारी, घर की बच्ची है, क्या मसला है? बुशरा से मसला नहीं है मुझे, बस आप मना करते हैं दादा जान को। मजाक समझा क्या? तुम्हें पता ना दादा जान जो बोल दें वो करना पड़ता, दादा जान ने रिश्ता तय किया तो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये फैसला कबूल नहीं। आप इस वक्त? अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई है।
मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। लेकिन मैं आपसे अभी कोई बात नहीं कर सकती। सब लोग अपने कमरे में हैं। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा। छोड़ो सबको, मेरी आंखों में देखो। मुझे बताओ क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती? क्या कह रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो जैसे मैं करता हूँ? मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। शायद भूल गए हैं। आपके घर वालों ने आपकी रजामंदी के साथ आपका रिश्ता तय किया है बुशरा के साथ। अब उसका नाम आपके नाम के साथ जुड़ चुका है। ये सब बातें अब बेमायने हैं। लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बेमायने है। जिस रास्ते पे चलने को दिल ही ना माने, उस पे चल के मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। नूर, ये दिलों के बंधन होते हैं, और तुम जानती हो कि मेरा दिल कहाँ है, मेरे दिल में कौन है। तुम एक बार मुझे बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरा यकीन करो, अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ नूर, तो मैं पलट कर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ, तो हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारी खामोशी का मतलब नहीं तो नहीं। ठीक है नूर, मैं चला जाता हूँ। जावियर, मैंने ना भी तो नहीं कहा। दादाजान, बस मैं आपके पास ही आ रहा था। ना, इस वक्त ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जावियर, जो मुझसे मिलने आ गए? जावियर, तुम इस वक्त यहां? और तुम यहां क्या कर रही हो? जी, मैं दादाजी को दवा देने जा रही थी। जावियर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या करने आए थे? दादाजान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं इस वक्त नूर से मिलने आया था। ये आपने देखे इस लड़की के करतूत? मुझे पहले पता था ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। तुम चुप रहो, जावियर से बात कर रहा हूँ। बोलो, क्यों मिलने आए थे नूर से? दादाजान, मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो जावियर? होश में तो हो? तुम्हारी मंगनी बुशरा से तय हो चुकी है। बाबा जान, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं लड़का क्या कह रहा है? दादाजान, ये मेरी
मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुझसे। प्लीज सलमा जी, आगे तुम कहां थे? मैं कहीं नहीं था, यहीं था। आप सो रही थी ना, मैं सोचा आपकी नींद खराब ना करूं तो इसलिए बाहर ही था। अरे ये आपको तो अभी तक बुखार है। ये इस मौसमी बुखार ना जाने का नाम ही लेता। ऐसे करते हैं, डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं, दवाई खाइए ना, भी ठीक हो जाऊंगी मैं। मैं जानता हूं ये कोई मौसमी बुखार नहीं है, ये वो गम है जो आपने अपने दिल पर लगा लिए। सलमा जी, वो वहां बहुत ही खुश होंगी। आपको याद है ना कि अपने अब्बू को याद करके वो कितना उदास रहती थी, याद है ना? बस आप ना ऐसे ही मुस्कुराती रह कर, अगर नूर जी को पता चल गया ना कि आप रोती रहती हैं, वो मेरी जान ले लेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ अपने उस बाप के पास जिसे तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है। रुको, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। आपने सुना नहीं, बाबा जान ने कहा है ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। यही रहेगी ये, इसी घर में, क्योंकि इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना बुशरा का। वली खान, क्या कहना चाह रहे हो? बाबा जान, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है, मगर अब मैं ये सच्चाई मजीद नहीं छुपाऊंगा। ये लड़की नूरजहान इस घर की इज्जत है, खून है मेरा, ये मेरी बेटी है। मुराद, क्या वो अम्मी जान बहुत परेशान है? क्या वो जावियार अभी तक घर नहीं आया? आ जाएगा, किसी दोस्त में उसकी तरफ रुके होगा। वो इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता। तंज कर रही है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज जरा उसे फोन कर ले। तो तुम कर लो ना फोन, वैसे तो सारा दिन बातें करती हो, फोन कर लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुराद आप? जावियार मेरे भाइयों की तरह है, भाई तो नहीं है ना? तो जाओ, कर लूंगा फोन, शादी बन जाती हर बात पे। पता है आपको क्या कह रहे हैं आप? हाँ पता है मुझे, पहली बार सच कह रहा हूं। अगर तुम कहां यकीन करोगी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हैं आप? वली खान, तुम इस लड़की से जो भी रिश्ता जोड़ रहे हो, या जो रिश्ता तुम्हारा इस लड़की के साथ है, फिर भी ये अब इस घर में नहीं रह सकती। माजरत चाहता हूं बाबा जान, लेकिन अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो आपका बेटा वली खान भी इस घर में नहीं रहेगा। आप यूं ही कह रहे हैं ना वली खान? आप यूं ही कह रहे हैं ना? कहां इसकी मां? कहां है वो डॉन जिसने मेरे हंसते बसते घर में जहर घोल दिया? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खुद को संभालिए प्लीज।
बीबी जी आपका फोन है। किसका फोन है? पता नहीं बीबी जी। हेलो। क्या हाल है जाने मन? अरे खामोश क्यों हो गई? नहीं पहचाना? मुराद अली खान, मैं आशिक बात कर रहा हूँ। हेलो। अब किधर जाओगी बच के? कैसे आना? हमने सुना है कि आपने अपनी तवाइफ बहू की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाने का फैसला कर लिया। क्या फजूल बातें कर रही हो? अरे आपको वली खान ने बताया नहीं? चले हम आपको बता देते हैं। आपको सलमा जहां तो याद होगी ना, हमारी बहन नूर सलमा जहां की बेटी है। ये कैसे हो सकता है? वली खान की औलाद तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। इस काम के पैसे दिए थे मैंने, तुमको याद है? याद है, याद है, सब याद है। लेकिन क्या करते, सलमा जहां ने हमारी बात ही नहीं मानी। मगर देख लें, हम अपने वादे से नहीं मुकरे। सलमा जहां को आपकी बेटी की जिंदगी से तो निकाल दिया ना। अब क्या चाहते हो? मतलब उस लड़की को अपने साथ वापस ले जाने की क्या कीमत लोगी? वाह बाबा जान वाह। कीमत? क्या कीमत देंगे आप? मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी अना, इन सब चीजों की कीमत तो आप दे चुके हैं। अब एक बाप की अपनी बेटी से मोहब्बत की भी कीमत देंगे आप? खान, मैं पूछता हूं, मेरा कसूर क्या था? मेरा या मेरी बेटी का कसूर क्या था? खून है मेरा वो, इस घर की इज्जत है वो। उस वक्त आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगेगा बाबा जान, जब इस घर की इज्जत उस कोठे पर मौजूद लोगों की नजरों का मरकज बनेगी, वहां पे मौजूद तमाशाई। बस वली खान, बस चुप हो जाओ। चिल्ला मैं भी सकता हूं बाबा जान, मगर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाती। मैं जिस एजाब में मुबतला हूं, जिस एहसास जुर्म में मुबतला हूं मैं, उसके जिम्मेदार आप है आप। याद रखिएगा, अगर इस बार आपने मेरी बेटी को इस घर से निकाला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर हां, यह खुदकुशी नहीं होगी, कत्ल होगा। एक बाप के हाथों अपने बेटे का कत्ल। अब हमें चलना चाहिए। वैसे सुल्तान खान, जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे। मैं वो शख्स शादी नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत सिर्फ नूर है और उसके बगैर नहीं रह सकता। कोई ये बात क्यों नहीं समझ कि मैं उषा के साथ खुश नहीं रह सकता? और नूर भी तो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है, क्या मैं उसे बीच में हार के छोड़ दूँ? नहीं, मुझे दादा जान से बात करना होगी। आगे चाहे वो मुझे जो भी सजा दे, लेकिन वो हम दोनों के साथ ही ना इंसाफी नहीं कर सकते।
तुम्हारी खुशियों में हमें देना होगी। मुझे अभी दादा जान से बात करनी होगी। तुम्हें बुशरा के साथ ही शादी करना होगी। चचियन, मैं बुशरा को खुश नहीं रख सकूंगा। ये बहाने किसी और को सुनाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता, तुम क्यों गुजरा हुआ वक्त दोहराना चाहती हो? तुम क्यों चाहती हो कि साविया और बुशरा वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे तुमने और मैंने गुजारी, एक समझौता करके? बाबा जान, सुना आपने वली और जावियार क्या कह रहे हैं? बुशरा और जावियार का रिश्ता आपने खुद तय किया था ना, बता देने। और आपके फैसले को इनकार करने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये फैसला तो मैंने ही किया था बुशरा और जावियार की शादी का, लेकिन लेकिन मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं चाहता हूँ जी के जावियार और नूर की शादी कर दी जाए। आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, इसलिए कि जो शादियां जबरदस्ती होती हैं वो ज्यादा देर पर नहीं होती थी। आप कैसे कह सकते हैं बाबा जान? आप तो खुद नूर के इतने खिलाफ थे, ये अचानक। ठीक है, आप भी तो अपने बेटे का ही साथ देंगे ना? अकेला छोड़ दिया ना मुझे और मेरी बेटी को? रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दिल में उनकी जगह हो। आई हैं वली खान के घर से। वली खान से क्या बात होगी, हम तो उससे भी बड़ा शेर मार आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी वहां मुलाकात वली खान के बाप से हुई, सुल्तान खान। हमें वहां देखकर हैरान रह गया। अब ये सुल्तान खान कहां से बीच में आ गए? ये वही सुल्तान खान है ना जिसके कहने पर हमने वली खान से झूठ बोला था कि सलमा ने अपना बच्चा पैदा होने से पहले ही मार डाला। इसी झूठ की वजह से तो सलमा और वली के रिश्ते में दरार पड़ी थी। ओह, तो तभी वली खान ने कभी पलट के सलमा जहां का हाल नहीं पूछा? और नहीं तो क्या, वरना वो तो सलमा जहां के इश्क में दीवाना हो रहा था। लेकिन खैर, हमारे इस झूठ की वजह से सुल्तान खान को उसका बेटा वापस मिल गया। आपने सलमा जहां को कुछ बताया? हम क्यों बताएंगे उसे कुछ भी? रो रो कर दिमाग खा लेगी हमारा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं मुझे, सब सुन चुकी हूं मैं। मेरी गलती थी, मैं ही पागल थी जब तुम पर एतबार कर बैठी और ये भूल गई कि तुम मेरी बहन नहीं, एक नागिन हो। नागिन नागिन तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। नूर तो मेरी बेटी है, तुम उस पर तरस क्यों खाओगी? सलमा जहां, बस बस सितारा जहां, बस। नूर की माँ अभी जिंदा है। जो तुमने खेल खेलने थे ना, बस बहुत खेल चुकी। अब और नहीं, अब तुम्हारे हर वार का जवाब नूर की माँ देगी। सितारा जहां नूर की माँ देगी, ये सलमा जहां, समझी तुम? यहां क्या कर रही हो? आप यहां पर क्यों आए? चले जाएं यहां से। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम क्या कह रही हो? उदास क्यों है इतने? जावेर अपनी आने वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है।
ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें पता है दादा जान ने मेरी और तुम्हारी बात पक्की कर दी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, लगता है आपने दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए। सच ड्रामा क्वीन, ख्वाब नहीं है ये हकीकत है। बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। एक तो तुम्हें ना रोने का बहाना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए नूर। लेकिन लेकिन जावेद दादा जान मान कैसे गए? वो ना दादा जान को मुझ पे तरस आ गया था तो मेरे हक में फैसला दे दी। अच्छा छोड़े ना, कोई देख लेगा। मुझे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम लाला। वालेकुम सलाम। कहाँ थे सारे दिन? वो मैं दादा जान से मिलने गया हुआ था। कल इतना कुछ हो गया वहाँ पे और तुम फिर भी वहाँ पहुँच गए? लाला अब जो बात मैं आपको बताऊँगा ना वो सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या हो गया सर? आपको पता है दादा जान मेरे और नूर के रिश्ते पे मान गए हैं और बहुत जल्द हमारी शादी भी करना चाहते हैं। लाला खुशी नहीं हुई आपको? नहीं हुई है खुशी, बहुत खुशी हुई है। लेकिन दादा जान माने कैसे? पता नहीं लाला, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना। खुश है ना आप? हाँ, मेरा मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अल्लाह मुबारक करे। हाँ मैं अम्मी जान और भाभी जान को बता दूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ हाँ बताओ बताओ, शाबाश, खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप यहाँ बैठ के पान खाइएगा और वहाँ क्या कुछ नहीं होगी, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ जिसकी सितारा जहाँ को खबर नहीं? आपकी उस नूर का रिश्ता तय हो गया है। मैं हूँ ऐजान। साविया का क्या काम यहाँ पर? मुराद भाई आपको ये हरकतें जेब नहीं देती। मुराद, मुराद अली खान नाम है मेरा, अब भाई नहीं हूँ तुम्हारा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मेरे साथ? खुदा के लिए रहम करें मुझ पर। रहम ही खा रहा तुम पर, इसीलिए अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं और जावियार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरा नहीं तो अपने भाई का, उसी का ख्याल कर रहा हूँ, उसी का ख्याल कर रहा हूँ। तो कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर बता दिया उसे कि तुम तवाइफ की बेटी हो तो थूकेगा भी। मेरी माँ तवाइफ नहीं है। तो क्या कह रही थी उस कोठे पर? मजबूरी थी हमारी। मजबूरी, मेरी भी मजबूरी है इस खानदान को इस धब्बे से मिटाना। कान खुलकर एक बात सुन लो, मेरे अलावा किसी और की नहीं होने दूंगा तुम्हें। छोड़े मेरा हाथ, अगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी। तो मचाओ शोर, देखता हूँ कौन बचाने आता है तुम्हें। मुराद भाई, आप कब आए? बस अभी आया, वो चाचा जान से मिलने आया था। रास्ते में नू नजर आ गई, मैंने कहा सलाम कर लूं। भाभा तो अंदर है, मैं मिल लेता हूँ।
वो तो ठीक है दादा जान, पर हम जानते नहीं वो कौन है, उसकी लड़की का माँ कौन है, खानदान कौन है, बस ऐसे ही। यारा मेरा ख्याल है हमारे लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि वली खान की औलाद है, हमारा खून है, हमारा खानदान। बाकी उसका माँ कौन है, क्या है, उसके साथ तुम्हारा क्या लेना देना। फिर भी दादा जान लोग तो छोड़ो, सब ठीक हो गया, फिक्र मत करो। अल्लाह चल अल्लाह खा। ये नूर और मुराद भाई इस तरह, आखिर वो इससे कहना क्या चाह रहे थे? कहीं वो नूर को जावियार से शादी के लिए मना तो नहीं कर रहे थे? हो सकता है, लेकिन इन्होंने नूर का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? नूर, बात करनी है मुझे तुमसे। मुराद भाई से क्या कह रही थी तुम? नहीं, पहले भी तुम नजर चुरा के भाग गई थी, साफ साफ बताओ क्या कह रही थी उनसे। तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती उनसे? सवाल मैंने तुमसे किया है ना, जवाब भी तुम ही दोगी। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अब मैं समझी, छोटे भाई को तो तुमने टूरे डाल के फंसा ही लिया, बड़े को तो छोड़ दो नूर। बुशरा, खबरदार, चीखने की जरूरत नहीं है मुझ पे, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। अगर तुम जानती हो कि मैं कैसी लड़की हूँ तो फिर ये भी जान लो कि जावियार सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। गलत फहमी है ये तुम्हारी, मैं जावियार को हर किस भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। तुम शायद जानती नहीं हो, मोहब्बत पाई जाती है, छीनी नहीं जाती। और मैंने जावियार की मोहब्बत को पा लिया है। मुराद जी, अम्मी जान, तुम्हारे दादा जान का फोन आया है। क्या कह रहे थे? हम सबको शाम को अपने घर बुलाया है। क्या खैरियत तो है, इतनी जल्दी रात को क्यों बुला लिया? वो आज ही जावियार और नूर का निकाह करना चाहते हैं। क्या हो गया अम्मी जान, आप इतनी जल्दी निकाह कैसे हो सकता है? आप मना कर दें दादाजान को। लेकिन लाला, आपने तो कहा था कि दादाजान की बात को टाला नहीं जा सकता। दादाजान तो पागल हो गए हैं चाचा जान की मोहब्बत में, ऐसे अपनी इज्जत दांव पे थोड़ी लगाएंगे, पता नहीं कौन है, कहां से आई है। लेकिन लाला, ने तो मेरा साथ देने का वादा किया था, और अब तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बस इतनी जल्दी तो नहीं करनी चाहिए ना, बस पता कर लें कौन है, क्या खानदान है, कहाँ से आई है। क्या क्या पता करना लाला, क्या हमारे लिए काफी नहीं है कि वो चचाजान की बेटी है? क्या कहा आपने चचाजान को? मैंने क्या कहना था, और वो किसी की सुनते ही कहाँ है, बस शाम को घर आने का कहा और फोन बंद कर दिया। लेकिन मैं रात को नहीं आ सकूंगा, बहुत काम है मुझे। भाई के निकाह से ज्यादा जरूरी काम है आपको। तो मेरे भाई की जिंदगी में एक लड़की मुझसे ज्यादा जरूरी हो जाएगी, तो ऐसा ही है। मुराद, मुराद किधर जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। आप हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे, आइए बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं आज। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नूर मिल गई है मुझे और उसे अपना बना कर रहूंगा। वो कहां मिली आपको?
तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कामिनी। हाँ सही, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन आप हमसे इतनी बेरुखी तो मत बढ़ती है। मैं जा रहा हूँ चांद बेगम। दोबारा नहीं आऊंगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप चले जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। वाइफों वाली बातें मत किया करो, कोई किसी के लिए ही मर जाने किसी और को देना। और अगर हम तुम्हारे लिए दिखाते तो? मैंने कहा
मामा बेगम, जान बेगम इस दुनिया में नहीं रही हम। बेटा तुम तो नूर को लेने गई थी ना, आई नहीं साथ। जी दादा जान, लेकिन वो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो किसी और कमरे में होगी। नहीं चाचा जान, वो किसी दूसरे कमरे में भी नहीं है। मजाक कर रही है ना भाभी आप, अभी तो मैं उसके कमरे में गया था, वहीं तो थी। नहीं जाव्यार, मैं मजाक नहीं कर रही। कमरे में क्या, नूर पूरे घर में कहीं नहीं है। आपने एक तवायफ जादी को इस घर की बेटी का दर्जा दे दिया, मखमल में टाट का पैवन लगा दिया, इज्जत दे दी उसको, और उसने एक ही ठोकर में आपकी इज्जत, आपकी शान आन और बान को जर्रा जर्रा कर दिया। चाची बस कर दे, खुदा का वास्ते बस कर दे। नूर ऐसी बिल्कुल भी नहीं। कैसी है तुम्हारी नूर? शादी वाले दिन मजाक उड़ा के चली गई तुम्हारा। कहता मेरी नूर ऐसी नहीं है। समझाया था तुझे, इन तवायफों के चक्कर में मत पड़, ऐसी औरतों को घर नहीं लाते। नहीं मुराद, नहीं। साव्यार का इसमें क्या कसूर है भाई? ऐसी तवायफें इज्जत से कहां घर बसाती हैं। राम सरकार, क्यों परेशान हो रही? मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम? ये सब कुछ तुमने किया है? घटिया आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आई मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं? मैंने समझाया था ना, मैंने भी तुम्हें कितना समझाया था कि किसी की नहीं होने दूंगा, भाई क्यों ना हो। खुदा के लिए छोड़ दो, आज मेरी मेहंदी है, जावेहार सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। करने दो ना, करने दो। क्या कह रहे हो तुम? मुझे भी तो अपना हिसाब पूरा करना है ना तुमसे। हमारे खानदान की इज्जत दो, कुछ तो शर्म। एक तवायफ की बेटी है जिस पर मेरा दिल आ गया, बस। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। जावेहार, फोन करके पता करो कि नूर घर आई कि नहीं। नहीं, मुराद नहीं आया अभी तक। I'm sorry जावेहार, मैं जानती हूं तुम बहुत परेशान हो गए मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी ये सब कुछ। तुमने मुझे बताने का कभी मौका ही नहीं दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरी ये बात सुनकर धचका लगा होगा, है ना? लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। ये घरदारी, सास नंद के चक्कर मेरे बस के नहीं है। मैंने ये रिश्ते ना कभी देखे और ना इनमें मैं कभी बनना चाहती हूँ। अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है। एक और बात, पैसा मेरी कमजोरी है और तुम्हारे पास तो इतना कुछ है नहीं। सब कुछ तो तुम्हारे लाला मुराद खान का है, तो फिर मुझे तुमसे शादी करने का क्या फायदा? इसीलिए हो सके तो मुझे भूल जाओ और मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो। मैं मजीद तुम्हारा और अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। तुम्हारी नोशा।
खोल देना इसको। जी? सबा खोल देना इसको, जाने देना। जी सरकार। खुद भी आगे पीछे हो जाना, शक्ल ना देखे तुम्हें। चलो हो गया काम। जावियर क्या हुआ है? इसका मैसेज है, खैर तो है? बस देख लिया, ये है इसका असल चेहरा और तुम इसके लिए अलकान हो रहे हो। क्या हाल है दादा जान का? जावियर दादा जान कैसे हैं? जावियर कैसे हैं दादा? और सब कैसे हैं दादा? I'm sorry जी, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या लेने आई हो यहां? अब क्या तमाशा देखने आई हो? नहीं वो बस कर दो नूर, अपने इन आंसुओं से किसको धोखा दोगी? बाबा जान तो चले गए जो तुम्हारी इस मासूमियत का शिकार हो गए। कत्ल कर दिया तुमने इनको, कातिल हो तुम। दादा जान, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? अपनी मेहंदी की रात घर से भाग गई थी तुम। किसके साथ भागी थी बोलो? बाबा जान को तो यही गम मार गया। तुम खा गई बाबा जान को। दफा हो जाओ यहां से। सलमा जी कितनी उदासी होगी है ना चांद बेगम के जाने के बाद। हाँ सावन, उसके बारे में सोच सोच के बहुत दुख होता है। एक और औरत इस बाजार की भेंट चढ़ गई, अब क्या फायदा? जब उसे समझाया था इज्जत की रोटी कमाओ तो उसने नहीं मानी। कम से कम आज चंदा जिंदा तो होती ना, किसी घर में इज्जत से रह रही होती। जी सलमा जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि हमें नूर जी को बता देना चाहिए चांद बेगम की फौतगी के बारे में। कुछ नहीं किया मैंने, मेरा यकीन करो।
तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, मेरा, जो तुम्हें इस घर में लाया, तुम्हें इज्जत दी, प्यार दिया, तुम्हें साबित कर दिया कि तुम एक तवाइफ की बेटी हो। कुछ नहीं किया बाबा, बाबा साबिया, 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 आप तो मेरा एतबार करें, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, आप तो मेरा यकीन करेंगे ना, मैं घर से नहीं भागी थी, मुझे अगवा किया गया था। ये झूठ बोल रही है नूर, तुम कब तक झूठ बोलोगी, तुम्हें कौन अगवा कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे किसने, तुम्हारे भाई ने मुझे अगवा किया था। मुराद ने, बोलो मुराद, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो, बताओ सबों कि तुमने मुझे अगवा किया था, बोलो खुदा का वास्ता तुम्हें बोलो, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, बताओ सबों कि तुमने मुझे अगवा किया था। देखो साफियर, इस दवाइफ को कोई और चारा नहीं मिला तो उस पर इल्जाम लगा रही है, तुम्हारे भाई पर, ये इज्जत रह गई मेरे इस घर में। साबिया, देखा इसको, तुम्हारे बड़े भाई पर इल्जाम लगा रही है, वो भाई जिसने तुम्हें बाप बन के पाला पोसा, तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, और ये इतना गलीज इल्जाम लगा रही है उसके ऊपर, इस लड़की का साथ दोगे तुम, निकालो इसको बाहर, फौरन निकालो। नहीं साबिया, साबिया प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अगर तुम्हें इसकी बात का यकीन नहीं है तो अभी इसी वक्त तलाक दो, वरना तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। नहीं 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 साबिया, साबिया प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज साबिया, मैं आइंदा इस घर में कभी नहीं आऊंगी, आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे तलाक बोलते हैं, मेरी बात को यकीन करे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। साबिया, अगर आपने तो कहा था ना कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, प्लीज आप तो मेरा साथ दे, साबिया मेरी बात को यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। साबिया इसको बाहर निकाल, अब कब तक तुम अपने दादा की रूह को तकलीफ दोगे, निकाल के बाहर करो इसको। अपने भाई इस दवाई से कुछ झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझे अगवा किया था। साबिया मेरी बात का यकीन करे, मैं सच कह रही हूँ, साबिया प्लीज यकीन करे मेरी बात पर। नहीं यकीन मुझे, तुमने मेरा महान, मेरा दोस्त बर्बाद कर दिया, दादा जान की मौत की जिम्मेदार तुम। तुम्हारे साथ ये रिश्ता मजीद का नहीं रख सकता। नहीं जा, नहीं, शट अप, मैं
मैं तुम्हें नहीं जावे जावे नहीं जावे मैं तुम्हें चले सावल आ जा जल्दी कर सलमा जी नूर जी आ गई नूर मेरी बच्ची मेरी जान मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी पता है अभी सावल से यही कह रही थी क्या हुआ नूर 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 शर्मा जी जल्दी इनको अंदर ले चलते वरना कोई नया पतंगड़ बन जाएगा जल्दी कीजिए चलिए जल्दी कीजिए उठाओ इसे उठाओ चलिए नूर बेटा खुश कर अल्लाह सब खैर कर क्या हो गया इसको ऐसे क्यों हो गई है इतने से पैसे रहे कैसे गुजारा होगा अरे चंदा मरने से पहले तूने हमारा कुछ ना सोचा शब्बो तू भी मुंह उठा के चली आती है सितारा बेगम आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाई हूं क्यों ऐसी क्या खबर है यही ना कि सलमा जहां बीमार है और उसकी बेटी की याद छाती है मेरी तरफ से दोनों जाएं जहन्नुम में तारा बेगम नूर जी वापस आ गई हैं। नूर वापस आ गई है बता क्या बात है ठीक नहीं बता रही ना बताओ मैं खुद वली खान के पास जाकर पूछती हूँ और जाविया से भी बात करती हूँ आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने उससे बात करूंगी उसकी मिन्नत करूंगी आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी बेटी को घर से निकाल दिया अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है अम्मी क्या साफियार ने मुझे तलाक दे दी है अम्मी मेरी अम्मी ठीक तो है डॉक्टर साहब जी अब वो खतरे से बाहर हैं शुक्र है अल्लाह तेरा लेकिन लेकिन क्या आपकी वालदा के दिल में सुराख है अगर उनका बरवक्त ऑपरेशन ना किया गया तो जानलेवा साबित हो सकता है डॉक्टर साहब मेरी अम्मी बच तो जाएंगी ना देखिए जिंदगी देना तो अल्लाह के हाथ में है हम बस कोशिश कर सकते हैं लेकिन उनका ऑपरेशन जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि उनका दिल कमजोर पड़ चुका है तो आप करें ना ऑपरेशन ठीक है उसके लिए आपको 20 लाख रुपए की जरूरत होगी अगर सलमा जहां मर गई तो नूर का हमारे अलावा कोई नहीं होगा तो फिर हम नूर से जो चाहेंगे करवाएंगे और बिलफर्ज अगर वो बच भी गई तो नूर के पास उसके इलाज के पैसे नहीं होंगे तो लिहाजा चट भी हमारी और पेट भी हमारी अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो जाओ देखो वो लोग आए कि नहीं Oh.
मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करूंगी, और उन लोगों ने मुझे दिया ही क्या है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। मुझे अब मुजरा नहीं कर सकती, अब वली खान की औलाद है। औलाद औलाद होने का गरूर उन्होंने मुझे बख्शा ही कब है, लेकिन मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, या फिर शायद शायद यही मेरा नसीब है। सलमा जी, अगर उनको पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना सब, बस किसी भी तरीके से अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ। तुम वादा करो सारा, तुम मेरा साथ दोगे। मुझे वादे की क्या जरूरत है, तो वैसे ही आपके साथ हो। ठीक है, तो फिर कह दो जाकर सितारा जहां से कि नूर ने उनकी बात मान ली। जी ठीक है। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें दे कुसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम चले जी। क्या बात है साहब? मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं। मैंने जावियर साहब को बताने की कोशिश की कि यह सब आपकी मजबूरी थी, आप ऐसी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, जाने वालों को रोका नहीं करते। लेकिन रोजी, आप तो जावियर से मोहब्बत करती है ना? ये वो लफ्ज है जो जो हमेशा मेरे लिए तकलीफों का बाइस ही बना है। बुर्जी, आप जावियर से बात क्यों नहीं करती है? आपको बताना चाहिए इस बारे में। क्यों क्यों बात करनी चाहिए जावियर से? क्या रिश्ता है उससे मेरा? चाहे हुआ आज उसने मुझे इस तरह देख ली, वो नफरत करेगा मुझसे। उबैद भाई, उबैद भाई मेरी बात सुने। बस ये देखो, ये सुनो, ये देखो। आप पहले मेरी बात तो सुने। क्या
जिस खूबसूरत आवाज की आपको तलाश थी वो मिल गई है। कहाँ, कैसे? मैं रात मुजरा देखने गया था, वहीं सुनी वो खूबसूरत आवाज। क्या हो गया वसी तुम्हें? ऐसी आवाज ढूंढने के लिए हम वहां जाएंगे? उबैद भाई, कमल का फूल भी कीचड़ में होता है और हीरा भी तो कोयले की कान से निकलता है जिसकी चमक कभी खत्म नहीं होती। वाह भाई, आज तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हो। शायद उसी आवाज का असर है। यार मुझे भी अब कुछ तजस्सुस हो रहा है। बस आप मेरे कहने पे एक दफा वहां चले जाएं, आपको मायूसी नहीं होगी। तुम्हें क्या मसला है? ये तो एक तवायफ है। तवायफ से पहले ही एक औरत है, चाहे वो तुम्हारे घर पे हो या इस कोठे पे। हर औरत की इज्जत करना हमारा फर्ज है। तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। जी जी, मुझे पता है, आज तो आपकी भूख और नींद दोनों ही उड़ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम है मुझे। जरूरी काम और इस वक्त? घर में दुल्हन आई बैठी है और तुम्हें जरूरी काम याद आ गया। तो क्या आज के बाद ये गल नहीं होगी? कहा ना, एक जरूरी काम है। आप सब लोग हैं इसके पास। भाभी, जावियार कहाँ गए? तुम फिक्र ना करो, अभी आ जाएगा। तुम्हारे सामने ही तो कह रहा था कि एक जरूरी काम है। लेकिन आज के दिन उनको क्या जरूरी काम हो सकता है? मत परेशान हो, आ जाएगा। ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहता वो। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। क्या कीमत लगाई है आपने मेरी इज्जत की? बोलिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलतियां तो मैंने भी बहुत सीखी हैं, एक और से। और अभी ये बाहर क्या कह रहे थे आप कि औरत की इज्जत बहुत जरूरी है, चाहे वो कोठे पर बैठी तवाइफ ही क्यों ना हो? ये इज्जत दी है आपने मुझे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आपका दिल आ गया मुझ पर? और बाहर उस गाहक से जो आप बातें कर रहे थे, जुमलेबाजियां की आपने, आपको क्या लगता है ये सब कुछ करके आप मेरा दिल जीत लेंगे? गलत फहमी है आपकी, यहां सब कुछ बिकता है लेकिन किसी का दिल नहीं, समझे आप? बस बहुत कह लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं चाहता जैसा आप समझ रही हैं। मैं आपसे बात करने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त मौजूद नहीं है आपसे बात करने का। एक औरत को इज्जत कैसे दी जाती है मैं जानता हूं। मैं फिर कभी आऊंगा। अगर मैं आपकी दिल आजारी की है तो मैं माफी चाहता हूं। साहब यार,
कहाँ रह गए हैं आप? कितनी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका, कितनी सारी बातें करनी है मुझे आपसे। अरे बुशरा, तुम बाहर क्यों आ गई? क्या करती भाभी अंदर, बैठे बैठे बोर ही होना था। क्यों, जावेर नहीं आया अभी तक? नहीं। एक तो ये लड़का भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, मैं अभी से फोन करती हूँ। किसे फोन करने की बातें हो रही हैं? वो जावेर अभी तक नहीं आया, बुशरा परेशान हो रही थी, उसी को फोन करने की बात कर रही। अच्छा अच्छा, नहीं कोई परेशान होने की जरूरत, मैं करता हूँ, तुम जाओ। लेकिन मैं कहा ना, जाओ तुम, ज्यादा समझदार ना बना, जाओ मैं देख लेता, अम्मी जान बुला रही है तुम्हें, जाओ। ये ट्रे रखना तो मैं भूल ही गई। अच्छा किया लाला आप आ गए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या हो गया बच्चा, परेशानी की क्या बात है? अब तो तुम्हारी जावेर को परेशान करने के दिन आ गए हैं, खींच के रखना है उसको। अच्छा शौहर है तुम्हारा? वो भी आप ही के भाई हैं, कहाँ रोब रहने देंगे मेरा। जावेर को कॉल करें ना लाला। आ जाएगा आ जाएगा, तो फिक्र क्यों करते हो, मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। आपको पता है वो कहाँ है? कहाँ जाना है उसने, वो नूर के गम में ढाल फिर रहा होगा, आ जाएगा। लाला हम दोनों ने नूर को जावेर से दूर तो कर दिया है, लेकिन उसकी याद कैसे निकालेंगे हम उसके दिल से? जैसे नूर को उसकी जिंदगी से निकाला है, वैसे यादों को भी निकाल देंगे। फिकर मत करो, बस इस मसले का फिकर मत किया करो कि हमने अगवा किया उसको। आप रात को मिलने पर पाबंदी है, दिन को तो मिल सकता हूँ ना मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थी, शर्मिंदगी तो मुझे है। कैसे आना हुआ? मैं एक म्यूजिशियन हूं और मुझे एक खूबसूरत आवाज की तलाश थी, वो आवाज मुझे मिल गई। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे? दूर में चाहता हूं कि आप गाएं, लेकिन यहां नहीं, आप मेरे लिए गाएं, टीवी के लिए। मैं चाहता हूँ आपकी खूबसूरत आवाज सब सुने, आप मशहूर हो, आपको इज्जत मिले। रात के बाद मैं समझ गया हूँ कि आप इस जिंदगी से खुश नहीं हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, आप खाना खाएं, दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, आपको बहुत शोहरत मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी तो पहले ही बदल चुकी है, अब और क्या बदलेगी? नूर आप एक बार सोचिए, आप सिंगर बनेंगी तो। अरे अरे उबैद साहब, ये आप क्या नित नई पट्टियां पढ़ा रहे हैं हमारी मासूम और भोली भाली नूर को? बस हमने तो आज तक किसी को मशहूर होते हुए नहीं देखा। लेकिन नूर जहान मशहूर होगी, आपको अंदाजा नहीं कि इसकी आवाज में कितना जादू है। आप मुझे बताइए इसकी आवाज की क्या कीमत लगाती हैं? उबैद साहब, कहिए सितारा जान, क्या कीमत लगाती हैं? अब कम से कम भी 5 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने बहुत कम कीमत लगाई इसकी आवाज की, कल आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप नूर के रास्ते में नहीं आएंगे। आप मेरे स्टूडियो में आके गाने की तैयारी कीजिए। मैंने जो बात पूछी है नूर, बताओ मुझे
औरत अली का उस घर से क्या रिश्ता? हिंदी वाली रात मुझे मुराद अली खान ने अगवा किया था। क्या अगवा कर लिया था? तो फिर वो मुराद अली वहां क्या कर रहा था? अली खान से क्या ताल्लुक है उसका? वो जावियार का बड़ा भाई है अम्मी। जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सबकी मिन्नतें की, सबको कहा कि मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये सब कुछ उस मुराद अली खान ने किया था। मैंने ये बात सबको बताई अम्मी, मगर कोई नहीं माना, किसी ने यकीन नहीं किया मेरा। और वो साविया जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, उसने भी मेरा एतबार नहीं किया। और अप्पू जिनकी मैं बेटी थी, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी अम्मी। उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। बताएं इसमें मेरा क्या कसूर? क्या कसूर है मेरा? मेरी बच्ची, मेरी जब मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं अम्मी, मैंने बड़ी कोशिश की कि अपनी बच्ची की किस्मत बदल दूं, पर मैं तुझे कोई खुशी नहीं दे सकी बेटा। आपने कुछ नहीं किया अम्मी, कोई खुशी नहीं दे सकी। मैं हार गई। हर के दूर नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। तेरे नसीब के आगे हर के जावियार, कहां थे आप?
मैंने सवाल किया आपसे, आप कहाँ थे? मेरा इस कमरे में आने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन क्यों जावियर, आज तो हमारी शादी की पहली रात है। शादी तुम्हारी हुई है, मैंने से समझौता किया और समझौते पे खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से हाँ की थी। मर्जी, मर्जी और खुशी तो अब मेरे लिए बेमानी हो चुकी है। वैसे अपनी मर्जी की आती तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। anyway, सो जाओ। जी भाभी। वो बुशरा क्या कमरे में? नहीं, वो अम्मी जान के पास गई थी। खैरियत? मुझे एक बात करनी है तुमसे जावियर। जी बताइए। नूर के बारे में कुछ बताना है मुझे। भाभी आप जानती हैं मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन जावियर, ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही देवर भाभी में? वो मैंने खाना रखा हुआ चूल्हे पे, मैं जरा देख कर आती हूँ। और भाई क्या हाल है जावियर खान? सब ठीक है, खुश हो ना? अच्छा जावियर खान, मैं सोच रहा था कि तुम उसका को कहीं बाहर ले जाओ घुमाने फिरने। क्या होता है हनीमून, हनीमून पे है? मैं फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छी है यार, खुश हो जाएगी, बड़ा दिल है उसका। तो भेज दें आप उसको, मुझे तो कोई मसला नहीं। ऐसी बात करते हो यार, बीवी है तुम्हारी, तुम पर है क्या उसका? जानता हूँ और कई दफ़ा सुन भी चुका हूँ। भाभी का भी तो आप पे बहुत हक है, उनको तो आप आज तक नहीं लेके गए कहीं। आखिर वो भाई हूँ आपका, आपके नक्शे कदम पे ही चलूँगा। बुशरा को समझा दीजिएगा, शादी कर ली है उससे मैंने, यही काफ़ी है। अब ये चौंचले बर्दाश्त नहीं होंगे मुझसे। I'm sorry, मेरी एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आ गई थी। ये आपके ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा है? पापा ये देखें, नूर आंटी ने मेरा मूड बिल्कुल ठीक कर दिया।
Oh, that's very nice. आपने thank you कहा? Thank you. चले जाएं बैठे। उमेर अपनी मामा के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करता है। इनकी मामा? आप मेरी पूछना चाह रही हैं कि मेरे छोड़ के क्यों चली गई वो? दरअसल उसे किसी और से प्यार हो गया था। मैं उसको रोक तो सकता था लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। I'm sorry. छोड़ इन बातों को। आप बताएं क्या पीनी है, चाय, कॉफी, anything? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। श्योर? ओके बेटे, मैं आंटी को छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ ओके बाबा, खुदा हाफिज़ उमेर। खुदा हाफिज़। हाय व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं वो गुलूकारा जिनकी आवाज़ ने अपना जादू जगाया और हर जगह इनके गानों ने धूम मचा दी, और वो गुलूकारा हैं नूर जहां। कैसी हैं आप नूर? मैं ठीक हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप आई और छा गई। कैसा लगता है जब लोग आपके गानों को इतना पसंद करते हैं? ये तो उन सब लोगों का प्यार है जिन्हें मेरी आवाज़ पसंद है। ये नूर नहीं हो सकती। जावियार, आज रात को आपकी अम्मी की उम्रा की फ्लाइट है ना, आपने मिलने नहीं जाना उनसे? मिलूंगा। आपको पता है मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग यूरोप ट्रिप पे चले। मैं आज ही लाला से कहती हूँ कि हमारी टिकट्स करा दें। हम शादी के बाद कहीं नहीं गए ना? नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते जावियार? देखो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। आपकी आवाज में इतना दुख है, कभी आपने मोहब्बत की? मोहब्बत? ऐसी किसी चीज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अरे, लगता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके तो बहुत चाहने वाले होंगे। शादी कब तक करेंगे आप? जब कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरी जिंदगी को बदल दे। अच्छा नूर, आप ये बताएं, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या होती है? मेरा ख्याल है कि एतबार और भरोसा। मुबारक हो आपको, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन कर दिया। जाए मनाए जश्न जाके, जाए। क्या हो रहा है? देख रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी कामयाबी हासिल की है। कितना अच्छा लगता होगा ना आपको? जिंदगी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ दे दिया। अब वही एक लम्हा गुजारना सीख रहे हैं। कभी बेतहाशा हंसते हंसते आंखें भर आती हैं, कभी हंजू में तनहा महसूस करता हूं। लगता है काफी गहरी चोट खाई है आपने।
कभी कभी सोचता हूँ लाइल में कितनी बड़ी नेमत है, आ गई तो सिर्फ इस तरह है और कुछ नहीं। जैसे जैसे पर्दे गिरते जाते हैं, चेहरे दिल से उतरते जाते हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप, दिल चाहता है कि आपकी बातों को सुनते ही रहे। तो आप अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेते जी? ये क्या है? आपकी अमानत। हमारे प्रोड्यूसर साहब को आपकी आवाज इतनी पसंद आई है कि वो अपनी फिल्म के तमाम गाने आपसे गवाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे मुताबिक तो ये बहुत कम है, पर ये क्या, आप इससे ज्यादा के मुस्तहिक हैं। आप पे कोई एहसान नहीं है, मेरा तो फर्ज था, बल्कि एहसान तो आपने मुझ पर किया मेरी तन्हाई पर। अच्छा, अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो आप मुझे खाने पे ले जाएं। जरूर, क्यों नहीं। बहुत खुश हूँ जाफियार, आप ऐसे मेरे साथ बाहर आए आज। आज तो हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। देखिए ना, क्या ऑर्डर करना है आपको? कर दो ऑर्डर। बताइए ना, हेल्प करें, क्या ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको तो मूड ही नहीं लग रहा, आप डिसाइड कर लें, मैं जब तक एक फोन कॉल कर लूँ। अम्मी को बताती हूँ हम बाहर आए। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, कैसी हैं? हाँ, वो जाफियार मुझे बाहर लेके आए हैं। हम किसी और होटल में चले? तो बड़ी अच्छी जगह है जी, लेकिन कहीं और चले जाते तो। क्यों, आपको ये जगह पसंद नहीं? आपने तो खुद ही आने को कहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस नूर आप, मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे। जी कहिए। पहले आप मुझसे वादा करें कि आपका जो भी फैसला हो, आप जो कुछ कहेंगे, हमारी दोस्ती खराब नहीं होगी, इसी तरह रहेगी हमारी दोस्ती। बिल्कुल, लेकिन आप बात तो बताएं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों चलते हैं? अरे जाव्यार। अच्छा,
हेलो, कैसी हो सितारा जहां? अभी तक नाराज हो? तुम्हें हमारी नाराजगी से फर्क पड़ता तो मनाने ना आते। सितारा जहां, मैं जानता हूं तुम्हें चंदा के मरने का अफसोस है। आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी तुम्हारी, को कमाने वाला तो है नहीं। तुम हमारी फिक्र मत करो, हमें तो चंदा से भी ज्यादा अनमोल हीरा मिल गया। उसकी तो धुन सुन रहा हूं। क्या कीमत है तुम्हारे सीरे की? एक बात याद रखना, आज नूर वहां है तो सिर्फ मुराद अली खान की वजह से। ठीक है ठीक है, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। सोचना क्या है? ब्लैंक चेक लेके आ रहा हूं, अपनी मर्जी की कीमत भर लेना। मुझे मुझे मंजूर है, लेकिन देखो किसी और को पता ना चले। उफ, सितारा जहां, किस्मत बन गई तुम्हारी। अरे सावल, तुम सोई नहीं अभी तक? नूर जी, जब तक आप नहीं आएंगी तो सावल कैसे सो सकता है भला? शर्मा जी होती थी तो आपका कितना ख्याल रखती थी, इतनी फिक्र करती थी आपकी। अब मैं आपका ख्याल ही रखूंगा तो कौन रखेगा? अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खाना खा कर आई हूँ। इतनी प्यारी अंगूठी, ये आपने आज ही खरीदी है? उबैद ने दी है ये अंगूठी मुझे। उबैद ने? मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। नूर जी, आपने क्या जवाब दिया? सोचिए नूर जी, बताइए ना। नूर जी, हमने बताया नहीं, क्या जवाब दिया आपने उबैद को? हाय, तुम भी कितने भोले हो सावल। उबैद ने अंगूठी दी और नूर ने पहन ली, इसका मतलब है नूर ने हाँ कर दी। मुबारक हो हमारी जान, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम इस कोठे की मिल्कियत हो। हम तो ये शादी होने नहीं देंगे। मैं इस कोठे की नहीं, ये कोठा मेरी मिल्कियत है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जगह मैं खरीद चुकी हूं और यहां पर रहने वाले मेरे एहसानमंद हैं। अगर नहीं तो मैं उन्हें बाहर निकाल करूंगी। और हाँ, शादी मुझे करनी है या नहीं करनी, ये मेरा मामला है और आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे मामले में बोले। समझ तो गई होंगी आप। चलो सावर। जिंदगी हराम की, हर मेरी बातें सुन दिया। दीना हराम आपने किया मेरा। मैं तो समझती थी कि आप सिर्फ मुझे ही धोखा दे रहे, लेकिन आपने तो अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। तो पांच लाख रुपए लगे। चलाऊंगी मैं सब। तक गई मैं आपके रोज रोज के करतूत देखकर।
अरे आपसे बेहतर तो वो गिद्ध होता है जो अपने शिकार के मरने का इंतजार करता है। शर्म आती है मुझे आपको। मैं तेरी जान ही निकाल दूंगा तेरी शर्म मेरे। क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या हो गया आपको? बकवास कर रही है, चूड़ी है मकान वाला। भट की दान मैं हूँ या आप? आपने तो अपने भाई की बीवी तक को नहीं छोड़ा। बकवास करते हैं लाला। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अरे वली खान साहब, आप कैसे तशरीफ ले आया? सितारा जान, तुम मुराद अली को जानती हो या नहीं? हम मुराद अली को जानते हैं या नहीं ये हम आपको क्यों बताएं? बताओगी? जरूर बताओ। ये लो, अब बताओ। मुराद अली हमारे बहुत पुराने ग्राहक थे और उनके आशिक भी, इसलिए तो सलमा जहां ने मुझको आपके पास भेजा था। सलमा ने तो कभी जिक्र नहीं किया आपका, ना ही नूर ने। अब ये तो हम नहीं जानते, तो जो सच था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने सलमा से मिलना है। सलमा जहां अब इस दुनिया में नहीं है। क्या ये नहीं हो सकता? झूठ बोल रही हो तुम, बताओ। हम क्यों झूठ बोलेंगे? अपने गिरेबान में झांकी है आपने, क्या क्या जुल्में ढाए हमारी बहन पे, और उससे तो उसे उसकी बेटी को भी दुखों की भट्टी में झोंक दिया। कभी ख्याल आया उनका? अफसोस कि औरों की तरह आपने भी मुझसे नजरें फेर ली, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ तवाइफ थी। इसमें मेरा और मेरी माँ का क्या कसूर था? क्या मैंने और मेरी माँ ने अपनी अपनी पसंद से इस जिंदगी को चुना था? लेकिन हाँ, आप जैसे लोगों ने हमें तवाइफ बनाया है नूर, और आप जैसे शरीफ लोगों को यहां आना जेब नहीं देता। जाइए यहां से। यहां कोई सलमा नहीं है और ना ही आपकी कोई औलाद है। जिसे आपने ठुकरा कर अपनाया और फिर ऐसा गिराया कि खुद से भी आंखें ना मिला सके। नूर, एक बार, आखिरी बार मुझे माफ कर दो। बेटी होने के नाते तो शायद मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन मैं उन आंसुओं को कभी माफ नहीं करूंगी जो आपकी वजह से मेरी मां की आंखों में आए थे। चले जाए वापस अपनी उस शरीफाना जिंदगी में आप,
आपका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी राह देखने वाली मर चुकी है, मर चुकी है। कोई नहीं आपका यहाँ। आप जा सकते हैं यहाँ से। हेलो मुराद जी। अरे वाह, आज हमारी याद कैसे आ गई सितारा जान। मुराद जी बस आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। क्यों, क्या हुआ? मुजरा करने से इनकार कर दिया उसने। अरे नहीं मुराद जी, नूर शादी कर रही है। शादी? किससे शादी कर रही है? कोई नया मुर्गा फंसा लिया? अरे नहीं, मुर्गा नहीं है, बहुत बड़ा मौसीकार है। नूर पर ऐसा लट्टू हुआ है कि उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। हमें आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप नूर को पहले से जानते हैं, और जो सब कुछ आपने नूर के साथ किया वो मेरे लिए नहीं था। उसमें असल में आपका फायदा था। ठीक समझा तुमने। नूर को हुआ मैंने अपने फायदे के लिए किया था। उस रास्ते में तुम आ गई और जावेद से शादी के लिए मुझसे मदद मांग ली। मैंने सोचा क्यों ना एक तीसरे दो शिकार करो। बहलाला, आपने तो कानों कान इसको पकड़ तक नहीं ली थी कि आप नूर को पहले से जानते हैं। मैं तो ऐसे ही इतना अरसा खुद को आपका एहसान मंद समझती रही, जबकि तो असल में मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? और मसला क्या है? तुम्हें जावेद चाहिए था, मुझे नूर। बस किसी भी तरह उसके कमरे में जाना था, वो तुमने मदद कर दी। अब हो गया ना सब ठीक? अब मैं समझी, आपका नूर का हाथ पकड़ना, नूर का डरा हुआ सहमा हुआ रहना, जावेद आप, मुझे क्या जरूरत है मेरा? यार मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा। नहीं, मेरे बड़े भाई यार, आज के मेरे आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरा आपसे बड़ा होता। प्लीज मेरी बात सुनें।
नहीं बुशरा, मैं भी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं ज़ावियर प्लीज़ ऐसा मत कर। मैं ज़ावियर अली खान हूँ, पूरे होश आवाज में। कमाल किस्मत है तुम्हारी नूर, तुम्हारी हर खुशी को तबाह करने की जिम्मेदारी कुदरत ने मुझे दी है। मैंने कहा था ना तुम मेरी हो, अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी का होने भी नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो, नूर से मेरा निकाह हो गया और मेरी बीवी है या? अब तुम्हारी बेवा बन जाएगी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। आप सुबह सुबह उठी मुझे तो पता ही नहीं चला। नाश्ता बनाना था, सुबह उठकर नमाज भी तो पढ़नी होती है। यही हक है तुम दूसरों से मिल सकते। इनकी यही बातें तो इन्हें दूसरों से मुनफरिद करती। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मेरा नाम कैसे मालूम? तुम्हारे चेहरे पे फैली उदासी और पछतावा बता रहा। लेकिन वो अब यहां नहीं जिसकी तलाश में तुम आए। नूरिया नहीं, वो जा चुकी है, उसे जाना ही था। मैं मना लूं उनका, उसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझसे बहुत
ज्यादा मोहब्बत की जाती है, मिलती नहीं। आप मुझे उसका पता बता सकती हैं? कैसी है तुम? बहुत प्यारा घर है तुम्हारा, वेरी नाइस। बहुत मुबारक हो तुम्हें नूर। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारी कामयाबी देखी ना, तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में क्या आया था भला? मैंने सोचा था कि तुम हो ही बहुत खास नूर, तुम ये सब डिजर्व करती थी, बहुत खास हो तुम। नूर मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका, मुझसे गलती हो गई थी बहुत बड़ी। नूर क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो? मैं जानता हूं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन तुम मुझे एक बार माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया, आप यहां से जा सकते हैं। मैं तुम्हारी बेरुखी को समझ सकता हूं, मैं इससे भी बड़ी सजा का मुस्तहिक हूं, मुझे पता है, लेकिन एक बार तो सोचो नूर, तुमने मोहब्बत की थी मुझसे, मोहब्बत? मोहब्बत लफ्ज के मायने जानते हैं आप साव्यार साहब? से मैं रोमिया मिली हूं वही जान सकता है, वही जान सकता है कि झूठी तसल्लियां और जबानी हौसला कुछ नहीं होता। और फिर बहुत से रिश्तों को परखने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूं, जरूरत ही सब कुछ होती है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। नहीं, नहीं। तू कैसे कह सकती हो ये? हमने मोहब्बत की थी एक दूसरे से, साथ जीने और मरने के वादे किए थे नूर। इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत के नाम पर ही तो बिकता है जावियर साहब। और कमबख्त सबसे महंगी मोहब्बत ही पड़ जाती है। और वो वादे, वो वादे तो आप कब के तोड़ चुके हैं। और वैसे भी वक्त की धूल में कहीं गुम से गए हैं वो लम्हे। तो नहीं थी। कैसे बात करूं से?
समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, तुम सब कुछ भुला दो, तुम वो सब कुछ भुला दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? क्या वो वक्त वापस लेकर आ सकते जब तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया था? साव्यार साहब, नूर कब की मर चुकी है? और ये नूर, ये तो किसी साव्यार को जानती तक नहीं है। नूर, खुदा का मर्द, ऐसा ना करो, मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता साव्यार, देख लो मैं जिंदा हूं तुम्हारे सामने। लेकिन हाँ, जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब लोग हमारे दिल में होते हैं, हमारी जिंदगी में नहीं, हमारी दुआओं में होते हैं लेकिन हमारे नसीब। मिली थी कोई नूर तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हारे नसीब में नहीं। अरे आप आइए ना, इनसे मिलिए, ये है मेरे हस्बैंड उबैद, उबैद ये है मेरे कजन साव्यार अली खान। आपसे मुझे बहुत खुशी है, तो कभी बताया नहीं था कि तुम्हारा कोई कजिन भी। जी चलता हूँ। नहीं आप प्लीज चाय तो पियो। नहीं जाने दें, अभी इन्हें काफी दूर जाना है। डिनर पे नहीं चलना, वैसे करो कि तुम तैयार हो जाओ, मैं भी जरा फ्रेश हो जाता हूँ। ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू, तुम्हें देखा तुम्हें चाह कुसूर इसके सिवा क्या है। साव्यार, सिर्फ एक चीज से डर लगता है। क्या? तुम्हें कौन है सो? नहीं नहीं
जावियर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज जावियर। मैं अंदाज़ करने कभी नहीं आऊंगी, आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे तलाक मत दे जावियर प्लीज। मैं तुम्हें तलाक दे।